गोरा रंग मुझे दुनिया वालों तुम धोबी ना समझो, मैं कपड़ा धोता नहीं हूँ, मजबूरी ने धुलाई। ए यार ये कपड़े बिना जान को आ जा, एक है मेरा पोता और वो भी कपड़े नहीं धोता, आगे भी कपड़े धोने पड़े। चलो जो भी है भैया करना तो पड़े ही है। भाई तू मुझे खामे खा घर ले जा रहा है, मेरा मन नहीं करता तेरे घर जाने का। अरे यार तू चल, कोई दिक्कत ना है। आ जा भाई। चल भाई। बाबा राम राम। राम राम। घर तू भेज देता घर तू। हैं गौरव देख रहा है तू, मैंने तुझसे पहले कही तू मल ले चल मुझे अपने घर। अरे भाई पास जाके कर ले पास, जा। बाबा राम राम। हाँ आ जा छाती पे चढ़ जा मेरी पप्पू, चल जा पीछे को जाकर राम राम कर। देख रहा गौरव, जब दूर से करी तो कह रहे घर से भेज देता राम राम, अब डोरे जाके करी तो नू कह रहा छाती पे चढ़ जा। तू बड़ा चूतिया है यार, इनसे राम राम ना करे तू, इनसे कर बाबा कपड़ा धोई दुआ, अभी मान जाएंगे दो मिनट में, करके देख। बाबा कपड़ा धोई दुआ। कपड़ा धोई दुआ, अभी तो कही तूने बढ़िया वाली बात। बाबा खुश हो गया, ले तो तुझे घोड़ा खिलाऊं। बाबा मुझसे तुम्हारे ये दुख नहीं देखा जा रहा। अच्छा किस चीज का दुख ना देखा जा रहा तुझ पे मेरा? अम्मा को होते हुए भी तुम्हें कपड़ा धोने पड़ रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो ले तेरी माँ बुला के लाऊं मैं, अभी तेरी निहाली जा रहा हूँ। जाओ जाओ चल निकल ले बुड्ढे। वो मोटर साइकिल गई रही ना, इज्जत डाकू चोरों में। मेरी पैर सुन की कांटे की रही से यार दोबारा नहीं मिले। मैं घर में तो कोई दिखी ना रहा, घर तो खाली खाली सा दिख रहा हूँ। है गए कहाँ को सब? राम राम। राम राम भैया। राम राम लालाई कर लाई बैठा तू? हाँ बुबा कर ले बैठो। ले साइकिल खड़ी करके आ पहले तू, जरा ले करके आ रहा हूँ। तो कहाँ गए भाई सब लोग, दिखाई ना दे रहा हूँ कोई घर में। अरे फूफा दावत खाने गए पल्ले मोहल्ला में। दावत? अब दावत भी खाने लगे तुम? तुम्हारी तो दावत आई ना करी गई है पहले। अरे फूफा चलो तुम बैठ लो, मैं अब बुला के ला रहा हूँ। बैठने को तो बहुत देर से सोच रहा, मेरे पामन में दर्द हो रहा है। फूफा फूफा राम राम। राम राम भैये। राम राम। कहाँ छिचोरा पंतिन्ने करते घूमो? छिचोरा पंतिना तुम मेरे ब्याह करवा दो। ब्याह? तू भी ब्याह करेगा भैये? ये भी तेरी ब्याह की उम्र भी तो ना देखिए, देखा भी नहीं निकली लोंडे की और ब्याह की बात कर रहा। तो मैं ना करा फूफा बुला रहे हैं। अच्छा आएगा भी? अरे बहुत देते बैठे हैं। अच्छा तभी तो ढूंढ गाँव में तुम्हें। ये बैठे हैं। अच्छा रिश्तेदार आए गए हैं हम भाई। अरे आ जाओ तुम बड़े पीछे, चलो जल्दी आ जाओ, रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं हमारो। राम राम जी। जी राम राम। चलो तो अब तुम्हें खाना वाना बनवाता हूँ फिर। ना जी ना, देखो खाने की बात ऐसी है, हम जहाँ भी चले घर खा के चले। अल्लाह को चाय वाले आओ यार, जाके बनवा लाओ दोनों लोग। ना भैये चाय तो ना पीने के हम, पर तुम नू तो बताओ इतने लेट कैसे हुए? अरे लेट का कारण ये है, हम लेट कैसे हुए, गाड़ी हमारी खराब हो गई। गाड़ी है ठाड़ी है और कार है बेकार है, मोटरसाइकिल में पंचर हो गया, साइकिल से चलता रही हूँ मैं, तब आपके सामने तीन बोरी तेल डाल के भैंसा गाड़ी से आया हूँ। अच्छा तो यार कारण लेट हो गए तुम? बात यही है इसीलिए लेट हो गए, बाहर खड़ी है वो भैंसा बुग्गी। और सुनाओ हालचाल बढ़िया है तुम्हारे? एक कमी है हमें परेशानी इस बात की, कल हमारे भाई साहब की शादी रही, लड़की ऐसी थी मुंह में हाथ नहीं पेट में दांत नहीं, मुंह का छटर गायब था और 3.5 महीने की आमंत्रित थी, 3 किलो दूध दे रही थी। अच्छा ये मामला तो जरा भले मानसून से हमारा मुकाबला करवाओ, हमें भी ऐसे इंसान की जरूरत है, दूध भी मिले और बच्चे मिले।
हम तो दूधिया बन जाएंगे। चलो तो फिर खाना नहीं खा रहे तो मैं वहाँ खाट बिछा देता हूँ घर में, वहाँ लेट लो चल के। चलो तुम खाट बिछवाओ जरा, हम इनसे बात कर ले कुछ। ठीक है ठीक है। भाई साहब हम इतने खतरनाक ऑफिसर हैं, बदमाशों से बोलते नहीं है, शरीफ पर कुछ छोड़ते नहीं है। हमारी बैंक में 56 मिलियन काम कर रहे हैं, आमदनी एक पैसा की नहीं है, फुर्सत एक मिनट की नहीं है। और वैसे कंगाल बैंक का मैनेजर 2-4 लाख रुपए चाहिए तो बता दीजिए, आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। अच्छा इतना तगड़ा काम चल रहा है तुम्हों का, इन्होंने तो हमें कभी बताया ना। चलो पैसे की जरूरत रह गई है, बता देंगे तुम्हें कभी। चौधरी साहब आपने क्या कहा कि आपको पैसे की जरूरत है? पैसे अब तो आजकल तुम्हें पता ही है कैसे इंडिया, तो नेट पर सिस्टम चल रहा है, अब तो ऑनलाइन पेमेंट है, आपको खाते में डलवा ही दूंगा पैसे तो। अच्छा चलो बता देंगे हम जब पैसों की जरूरत होगी, अब मैं भी थोड़ा लेट लूं। वो मेरी पल्लो, मेरी पल्लो, अरे मेरी पल्लो, अरे मेरी पल्लो, अरे मेरी भैया कितना टाइम होगा, क्या भूख सी लग रही है, खा होगा। अरे भैया अभी तो 10 ही बजे, रात कैसे कटने की, भूख लग रही है। कान पकड़े छन्नू, आज के बाद जो कह दी तूने कह रोटी ना खाने का, देख ले एक बार बूझने के बाद किसी ने कही ना न कह तू रोटी खा ले चलूं, बहू तो आई जाएगी, निकल लो। जाने तो जहाने छन्नू, कई कुछ चक्कर में पड़ रहा हो भैया। चले भैया कुछ देख, घर पर होएगा तो खा लेंगे ना, तो कोई बात ना। अरे खाट है तो छन्नू कहीं गिर मत जिए नहीं भैया। हेलो गाइस, तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को।